आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में सामूहिक शौचालय के बारे में जानकारियाँ देने वाले हैं, तो वीडियो पर शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा और तो सारी जानकारियाँ आपको मिलेंगी इस वीडियो में। बाकी और भी जो कुछ होगा सारा कुछ बताया जाएगा, लेकिन वीडियो पर शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके जब भी कोई नई वीडियो चैनल पर अपलोड होती है। तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज हम बात करेंगे सामूहिक शौचालय के बारे में। सामूहिक शौचालय से संबंधित मैंने वीडियो ऑलरेडी इसके पहले भी एक दो महीने पहले भी अपलोड किया हुआ था, उसमें फुल डिटेल मैंने दी हुई है कि कौन महिला बन सकती है सामूहिक शौचालय में और कितना इसमें पढ़ा लिखा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, सारी डिटेल्स मैंने दी है। कितने पैसे मिलेंगे उसको वो भी मैंने बताया हुआ है उस वीडियो में, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जा करके एक बार ज़रूर चेक करें। तो चलिए हम यहाँ पर बात करेंगे सामूहिक शौचालय में कौन सी महिला यहाँ पर बन सकती है इसकी देख रेख वगैरह करने के लिए, ठीक है, उसी के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। क्योंकि इसी तरह के कुछ क्वेश्चन किसी का आया था कमेंट में दो तीन दिन पहले, तो मुझे लगा एक वीडियो बना देना चाहिए प्रॉपर, आप लोगों को बता देना चाहिए क्या यहाँ पर है क्या नहीं है। तो यहाँ पर किसी ने क्वेश्चन किया हुआ था कि मैम क्या यहाँ पर समूह की ही महिला सामूहिक शौचालय की देख रेख कर सकती है या फिर सामूहिक शौचालय के लिए रखी जा सकती है, उसको नियुक्त किया जा सकता है, उनका क्वेश्चन था। तो हम यहाँ पर बता दें आपको कि इसमें बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि साधारणतया महिला भी इसमें आवेदन कर सकती है इसके लिए या फिर इसमें उसकी नियुक्ति हो सकती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। साधारण महिला इसमें नहीं इसमें नियुक्ति होगी उसकी, इसमें उसी महिला की नियुक्ति होगी जो समूह से, ठीक है, स्वयं के सहायता समूह से जो महिलाएं जुड़ी रहती हैं उन्हीं के समूह से ही एक महिला को रखा जाएगा, ठीक है, आपके समूह में से एक महिला को इसमें रखा जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर क्वालिफिकेशन वगैरह कोई मायने नहीं रखता है, बस इतना है कि आप समूह से जुड़ी रहें, समूह से स्वयं के साथ समूह से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। और वही महिला इसमें बनेगी जो यहाँ पर अत्यंत ही गरीब वर्ग की होगी, ठीक है, जी महिला को रखा जाएगा। बाकी की डिटेल्स मैंने पिछली वीडियो में दी हुई हैं, उस वीडियो को ज़रूर चेक कीजिए, कितने रुपये हर महीने मिलेंगे, क्या है कैसे है और किस कास्ट की महिला रख सकती है। हम आपको बताएं तो जनरल कैटेगरी के लोग इसमें नहीं रह सकते हैं, इसमें वर्क नहीं कर सकते हैं, उनकी नियुक्तियां इसमें नहीं होंगी। किस कैटेगरी की होगी इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आप जाकर के देख लीजिएगा, समझ में आ गया होगा कि समूह की ही महिला इसमें नियुक्त होगी, बाहर से कोई भी महिला नियुक्त नहीं की जाएंगी, ठीक है। बाकी की डिटेल्स मैंने पिछली वीडियो में दी है, जाके देख लीजिएगा एक बार, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर कुछ और अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसी के साथ ही आज के लिए भेजते हैं मित्र नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू, सब्सक्राइब करना ना भूलें।